अपने कॉलेज लेकेंड ईयर से जितने भी स्टूडेंट्स e e फिल होंगे यूनिवर्सिटी e के उसके लिए एक नया पोर्टल आया समर्थ पोर्टल उस पर आ, ही एग्जाम फॉर्म फिल होंगे अब कोई भी कोर्स में हो एम बी एम सी ए बीटेक बी फार्मा एक्सटेक जितने भी कोर्स हैं सबका अब जो एग्जाम फॉर्म होगा वो समर्थ पोर्टल पर ही फिल होगा ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट नोटिस है ये दो इससे रिगार्डिंग नोटिस आए देख लेते हैं हम सबसे पहले की ऑफिशियल साइट पर जाकर सर्कुलर्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे हम देख सकते हैं रिसेंटली दो नोटिस है आ पहला है आपका एग्जामिनेशन में दूसरा रजिस्टर ऑफिस में ठीक है तो पहला क्या है रिगार्डिंग लॉग इन ऑफ स्टूडेंट ऑन समर्स पोर्टल डेट आप कन्फर्म करो एटीन ऑफ अक्टूबर है पहले हम इस नोटिस को देखते हैं उसके बाद जो आपका दूसरा नोटिस है जिसमें अर्जेंट लिखा हुआ है ये वाला आपका मेन नोटिस है इसमें भी आप कंफर्म कर लो ऑफ अक्टूबर नोटिस नोटिस देख लेते हैं हम देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि एक यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो एंड आज अभी जो है एग्जाम फॉर्म का नोटिस आया जल्दी आपके एग्जाम का भी नोटिस आएगा तो वो भी आपको यहीं पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो आप हम एटीन वाला नोटिस खोलते हैं वहाँ पे हम देख लो विषय में क्या लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर छात्र छात्राओं के लॉगिन कराने के संबंध में सो बेसिकली एटीन ऑफ अक्टूबर को नोटिस आया था कि आपके नाइनटीन अक्टूबर को मॉर्निंग में इलेवन ओ से एक मीटिंग है जिसमें ये डिस्कशन होगा कि समर्थ पोर्टल पर एग्जाम फॉर्म के लिए क्या करना है राइट right? तो उसके बाद थ अक्टूबर को न्यू नोटिस आया ये आज का ही नोटिस है पढ़ लेता हूँ है? है, जाने के संबंध में कृपया दिनांक उन्नीस अक्टूबर दो को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि अब जो छात्र छात्राएं जितने भी एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे वो समर्थ पोर्टल पर भरे जाएंगे

उनका एग्जाम फॉर्म भरोगे आप समर्थ पोर्टल से ही भरोगे ठीक है एक बार मैं आपको ओवरऑल बताया समर्थ पोर्टल क्या है क्या करना है तो इस नोटिस के बाद देखो आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी आप चाहो तो एकेट सर्कुलर पर भी देख सकते हो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ठीक है इसमें क्या है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक एस टी टीपीट ये आपकी लिंक है किसकी है ये आपकी समर्थ पोर्टल की लिंक है इसको मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है जैसे ही आप इसको ओपन करोगे इस लिंक को आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसपे लिखा होगा एकेट का साइन बना होगा स्टूडेंट पोर्टल लिखा होगा सिंपली यहाँ पे साइन इन का एक आ, बोर्ड होगा जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम को साइन इन लॉग इन करते हैं क्रिडेंशियल डाल के क्रिडेंशियल मतलब यूजर नेम और पासवर्ड डाल के तो वहां पे आपको करना होगा ठीक है अभी आप न्यू हो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं एक लॉग इन का यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड के साथ कर सकते हो जिन स्टूडेंट्स ने पहले कभी लॉग इन किया है उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एक बटन विजिबल है न्यू रजिस्ट्रेशन का जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आ... आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नया पेज खुलेगा ठीक है समर्थ जो समर्थ पर नहीं है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस पर उसके बाद उनके पास ये वाला फॉर्मेट खुल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोग्राम करना सिलेक्ट प्रोग्राम में अपना कोर्स बी टेक बीसीए एम सी ए जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो सिलेक्ट करो आपका जो नेम है एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आप लिख सकते हो तो मैं आप यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर से करना है ठीक है अगर आपके पास रोल नंबर है तो और नहीं है तो भी ठीक है तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके मिलेगा तो चेंज नहीं करना यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है अपना ये याद रखना रोल नंबर से अलग होता है एनरोलमेंट नंबर ठीक है यहाँ पे कैप्चा है इसको फिल करके जस्ट आपको सबमिट कर देना है ठीक है जैसे ही आप सबमिट बटन दबाओगे आपके पास एक ओटीपी आएगा किसके किसके पास ओटीपी आएगा जो ईमेल आपने अपने एडमिशन लेते वक्त रजिस्टर्ड कराया होगा तो रजिस्टर्ड ईमेल में आपको ओटीपी आएगा नहीं भी आया तो एक बार स्पैम फोल्डर चेक कर लेना वहां पर आया होगा जैसे ही आपका ओटीपी मैच हो जाएगा आप अपने एंड से एक पेज आएगा जिससे आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस है जैसे यार आप सब फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब की आईडी क्रिएट करते हो इन पे अकाउंट क्रिएट करते हो सिंपल इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आप चाहो सीधे इस पोर्टल पर आकर के इस पेज पर आकर के साइन इन लॉग इन कर सकते हो ठीक है लॉग इन में क्या करना है फिर आपको लॉग इन के लिए समर्थ पोर्टल से अपना पासवर्ड जो आपने बनाया है एनरोलमेंट नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हो ठीक है अब वन मोर थिंग हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स एंड नोट्स हम उस उसपे भी अपलोड करते हैं एंड आपके जो एग्जाम है वो जल्दी होने वाले हैं और फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन सेम के जितने भी एग्जाम है आपके ऑफिशियल डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर टू थर्टी जनवरी है लेकिन Uh, हो सकता है टेन टू फिफ्टीन डेज ये तो हो सकता है, भी जल्दी हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी एग्जाम से रिलेटेड हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड uh, कराएंगे एंड एग्जाम आपके आने वाले हैं इसलिए सारे ही इयर्स की प्ले हमारे चैनल पर अवेलेबल है आप चाहो तो चैनल को खोलकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारी प्ले को एक बार एक्सेस करके देख सकते हो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्लेलिस्ट एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें स्टिल कोई डाउट हो इसको लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच